दोस्तों, यदि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है और आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है, आपने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली और ट्रेनिंग का पैसा का इंतज़ार कर रहे हैं, पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अब आप पीएम विश्वकर्मा योजना का ट्रेनिंग का जो पेमेंट है उसको आप ऑनलाइन ही घर बैठे चेक कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग का पैसा मिला है या नहीं मिला है, कितना पैसा मिला है, घर बैठे ही आप पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। आगे मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेमेंट स्टेटस को चेक करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, सरकारी योजना गुरु .in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ पीएम विश्वकर्मा योजना पेमेंट स्टेटस चेक 2024, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया गया है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है और 5 से लेकर 15 दिनों तक की आप एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आने जाने जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पर आने जाने का भी भत्ता आपको दिया जाता है। तो पेमेंट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट आपको इस पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस के कॉलम पर आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नाउ योर पेमेंट का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। नाउ योर पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है, आपका जो भी बैंक है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप बैंक के अपने 4 लेटर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी खाते से आपका डीबीटी लिंक है उसी बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर को फिल करना है, अकाउंट नंबर डालना है, खाता संख्या, इसके बाद फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और इसके बाद आपको सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कि बैंक के खाते से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आप पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है, आपके जो रजिस्टर्ड बैंक खाते से मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी को एंटर करना है, वेरीफाई कराना है। तो जैसे ही आप ओटीपी को वेरीफाई करा करके सबमिट करेंगे आपके सामने पेमेंट स्टेटस खुल करके आ जाएगा। यदि आपको पैसा मिला होगा तभी आपका पेमेंट स्टेटस खुल करके आएगा, यदि नहीं मिला है तो नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको पेमेंट मिला हुआ तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्कीम नेम में पीएम विश्वकर्मा योजना दिया हुआ है, एजेंसी नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद कितना पैसा मिला हुआ है, यहाँ पर यूटीआर नंबर देख सकते हैं कितना पैसा मिला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 किस्तों में यहाँ पर पैसा मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये पूरी जानकारी देख सकते हैं, कौन से बैंक अकाउंट में है, बेनिफिशियरी का नाम क्या है, यहाँ से आप पूरी जानकारी निकाल सकते हैं, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है या अप्रूव्ड है ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप पीएम विश्वकर्मा योजना का पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।